अब लैस से आपकी महादशा चल रही है, सबने कहा बड़ा अच्छा टाइम है एंड 20 साल की वीनस की महादशा अच्छी जानी चाहिए, बट सर्टन थिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं जा रही हैं, सर्टन टाइम पीरियड आपका ख़राब जा रहा है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे देखें। तो जेमिनी एक्सपेक्ट्स हो गए। सेकेंड हो गया आपका चरादशा, कि चरादशा आपकी कौन सी चल रही है। अब विमशोत्री महादशा जैसे हम देखते हैं, उसके बाद हम अंतरदशा देखते हैं, देन चरादशा थोड़ा अलग तरीके से वर्क करती है। इट्स लाइक अगर आप एरीज असेंडेंट हो तो वो फॉरवर्ड मूव करेगी, लाइक एरीज असेंडेंट हो तो पहले एरीज की दशा चलेगी, देन टॉरस की चलेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। मगर अगर आप टॉरस असेंडेंट हो तो टॉरस आएगी दशा, देन आपकी एरीज आएगी, ठीक है, देन आपकी पाइसिस आएगी, देन एक्वेरियस आएगी, तो वो बैकवर्ड मूव करेगी। अब जो फॉरवर्ड मूव करती हैं दशा वो कौन सी होती हैं, एरीज, लियो, वर्गो, लीब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये दशा फॉरवर्ड मूव करती हैं, आगे की तरफ ही चलेंगी। एंड इट्स लाइक कि आपकी कोई दशा चल रही है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दशा भी ठीक है, अलाइनमेंट्स भी ठीक हैं। चरा दशा खोल के देखो आपकी कौन सी चल रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 6th house, 8th house, 12th house या ये वाला साइन है डेबिलिटेड है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट पर्टिकुलर साइन की दशा चल रही है, कुछ कितने टाइम की होती है, 7 साल की 8 साल की, अलग अलग टाइम होते हैं, तो वो खोल के देखो आप। एंड वो जो साइन है, प्लैनेट्स को ऐसे मूव करो आप, उस साइन को एसेंडेंट बना दो, एंड एसेंडेंट आप उस साइन को बना दोगे, सारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट मूव हो जाएगी, एंड देन उसको आप जज करो कि सर्टन जो दशा है उसके हिसाब से प्लैनेट्स आपको कौन से घर को इफेक्ट कर रहे हैं, 10th house को, कैरियर को, इनकम को, या लव लाइफ को, मैरिज को, क्या ट्रिगर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखो तो बहुत सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो, उस साइन को आप एसेंडेंट बना लो, ठीक है, देन देखो कि सारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसे मूव हुई है एंड अब कौन कौन से घर को कौन कौन से प्लैनेट इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।